कहीं बच्चों की चप्पलें तो कहीं महिलाओं के सैंडल, पर्स, मोबाइल बिखरे पड़े थे। सड़क किनारे खेत में पानी भरा था, कीचड़ हो रखी थी। भागने के चक्कर में श्रद्धालु पानी और कीचड़ में फंसकर गिर गए और इसी भीड़ में दबते चले गए। महिलाओं और बच्चों की मुंह नाक पर कीचड़ लगा हुआ था। भीड़ में कुचलने और दम घुटने से कई लोगों की जान चली गई। यह भयानक मंजर यूपी के हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ की जगह 124 लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। जान गंवाने वालों में 7 बच्चे, 100 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। सत्संग हादसे के बाद सत्संग स्थल शमशान घाट जैसा बन गया, जहां लाशों की ढेर लग गई। सत्संग का आयोजन भोले बाबा उर्फ बाबा नारायण हरि के संगठन में किया गया था। सत्संग के समापन के बाद मची भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। मंगलवार दोपहर यह हादसा तब हुआ जब भोले बाबा के काफिले के निकलते समय उनकी चरण धूल लेने के लिए अनुयायियों में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ के बीच हाईवे के सहारे के कीचड़ युक्त खेत में तमाम लोग गिर गए और उनके ऊपर से भीड़ गुजर गई। अफरा तफरी भरे माहौल में शवों घायलों को सिकंदरा राव के ट्रॉमा सेंटर और ईटा के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मंडलायुक्त अलीगढ़ चैत्रावी की अगुवाई में जांच समिति गठित की गई, जिसमें बताया गया कि 20,000 लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग शामिल हो गए थे। उधर हादसे के लिए सिकंदरा राव स्थित ट्रॉमा सेंटर तैयार नहीं था। यहाँ ना बिजली थी, ना ही डॉक्टर्स, ना ही ऑक्सीजन। करहाते हुए घायल पहुँचते रहे और उपचार न मिलने से दम तोड़ते रहे। ट्रॉमा सेंटर पर करीब 2:45 शवों और घायलों को पहुंचाना शुरू किया गया। हालात ऐसे थे कि ना मौके पर डॉक्टर्स थे और न ही पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद थे। बिजली तक नहीं थी। बदहवास हालत में पहुंचे घायलों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन वह भी नहीं था। बिजली ना होने के कारण कमरों में पंखे बंद पड़े थे, कमरों में अंधेरा छाया हुआ था। ट्रॉमा सेंटर और CHC पर जनरेटर है, लेकिन जब उसे चलाने की बात आई तो पता चला कि उसमें तेल ही नहीं है। देर शाम तक स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक जनरेटर के लिए तेल का इंतजाम करते रहे। पूरे परिसर में अंधेरा छाया रहा। DM आशीष कुमार मौके पर पहुंच तो गए, लेकिन हाथरस से डॉक्टर्स और स्टाफ मौके पर नहीं पहुंच पाए। DM ने मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी और उन्होंने नाराजगी जताई। CMO से बात की तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स निकल चुके हैं। करीब 2 घंटे तक डॉक्टर्स और उनके स्टाफ मौके पर नहीं पहुंच सके। आलम यह रहा कि घायलों को उपचार के लिए रेफर करना शुरू कर दिया गया। ये तस्वीर आप देखिए जरा, आपको चारों तरफ ये 50 मीटर का दायरा नजर आ रहा होगा और इस 50 मीटर के दायरे में भगदड़ मचने के बाद लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए। गिरते गिरते ऐसे हालात बन गए कि करीब 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आप समझिए कि ये खेत नजर आ रहा है और ये खेत यहाँ पर उस समय एक तरीके से कहा जाए तो मौत का मंजर का एक चश्मदीद बना और इसी के अंदर जो है वो तमाम वो 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को काल के गर्त में समाते हुए नजर आए और शायद ये परिस्थिति समझाते नजर आए कि इतनी लापरवाही, इतनी घोर लापरवाही हुई जिसके बाद ऐसी स्थिति बनती नजर आई। आप जरा समझिए ये पूरा मामला हुआ कैसे। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सामने है पंडाल। मेरे कैमरामैन उमेश आपको दिखाएंगे, ये सामने आपको पंडाल नजर आ रहा होगा। हाईवे को हम क्रॉस करेंगे यहाँ से और हाईवे क्रॉस करने के बाद केवल जो दायरा है वो मात्र 30 मीटर का है। इस 30 मीटर के दायरे में ही सब कुछ हुआ। सामने आपको बाबा का पंडाल नजर आ रहा होगा। बाबा जैसे ही गाड़ी से यहाँ निकले तमाम भक्त उनके पीछे निकले, उनके पैर की धूल को माथे पे लगाने की होड़ थी। बाबा तो गाड़ी लेके तमाम तरीके से निकलते नजर आए, लेकिन उनके भक्त जो है वो काल के गर्त में समाते नजर आए। 100 से ज्यादा लोग जो है मौत के मुंह में चले गए। जरा समझिए, ये गाड़ी आपको सामने नजर आ रही होगी, यहीं से बाबा की गाड़ी निकली थी। सामने की तरफ पंडाल देखिए, वहां से बाबा ने प्रवचन दिया। उसके बाद ये बातें निकल के आई कि यहाँ पर 80,000 लोगों की परमिशन थी SDM के मुताबिक। अब जरा आप पंडाल को देखिए, इस पूरे खेतों को आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर 10,000 भीड़ भी आ जाएगी तो यहाँ पर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 80,000 की परमिशन इस छोटे को पंडाल में दी गई और भीड़ कितनी आई, 2.5 से 3 लाख। यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि चश्मदीद ये बताने के लिए तैयार हैं कि इतनी भीड़ थी कि ये पूरा हाईवे ब्लॉक था। करीब 5 से 7 किलोमीटर लंबा जाम था।
लोग उस समय ऐसे परेशान हो रहे थे कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, और जब ये हादसा हुआ उस समय भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उनको काबू करना नामुमकिन था। प्रशासन के नाम पर यहाँ कुछ नहीं था, बाबा के सेवादार गायब थे, बाबा तो घर चले गए अपने, लेकिन ऐसे मौत का मंजर पीछे छोड़ गए जो आज भी याद करते नजर आ रहे हैं। किसी के घर में केवल एक शख्स बचा है, किसी की माँ चली गई, किसी के पिता चले गए, किसी के बच्चे चले गए, और शायद ये परिस्थितियां समझाने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से सिरे। अब आप देखिए जरा, आपको सड़क पे अब भी चप्पल नजर आ रही होंगी, ये चप्पलें यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं, हर तरफ आपको ये चप्पल नजर आ रही होंगी, कपड़े नजर आ रहे हैं लगातार रोड पर। इस प्रकार की स्थिति देखिए, अब जरा देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको हर तरफ देखिए वहाँ चप्पल पड़ी हुई है, ये सामने रोड पर चप्पल आपको नजर आ रही होंगी। ये स्थिति समझा रही है कि कैसे किन हालातों में किन परिस्थिति के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें हुई होंगी। इसके बाद अब मैं आपको पूरा सीन समझाता हूँ, ये सीन हुआ कैसे, ये पूरा इंसिडेंट हुआ कैसे, आखिर कैसे ये लोग यहाँ तक पहुँचे। जब बाबा की गाड़ी सामने की तरफ से आई तो भीड़ बिल्कुल सीधे हाईवे पर चढ़ गई, और उन्होंने सोचा कि बाबा को हम सामने से छू लेंगे, और सेवादार रोकने में असहज रहे या सेवादार इस हालात में नहीं थे कि इतनी भीड़ को काबू कर पाते, और जो पहले से स्थिति बनाई गई थी उसके हिसाब से तो मैं कहूँगा ये विफल था। और शायद यही वजह है कि बाबा ने जैसी अपनी गाड़ी मोड़ी, गाड़ी मोड़ते ही भीड़ उस तरफ खड़ी थी, सामने की तरफ, और भीड़ जो है बाबा की गाड़ी जैसी गई एक के बाद एक के ऊपर एक गिरते चले गए, भगदड़ मच गई, और भगदड़ में ऐसी स्थिति बनी कि 100 से ज़्यादा लोग काल के गर्त में समा गए, उनकी मौत हो गई। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनों को ढूंढने यहाँ भी आए हैं, जो अपनों को ढूंढने अस्पतालों में पहुँचे हैं, जो अपनों को ढूंढने के समय हेल्पलाइन नंबर का सहारा ले रहे हैं, और जो समझते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर कौन किसका सहारा देगा। ये हाईवे है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर क्या परिस्थिति है। एक बार आप देखेंगे सामने की तरफ, उस लोकेशन पे मैं आपको लेके चलता हूँ, उस जगह वहाँ पर लेके चलता हूँ जहाँ पर आप देखेंगे ये सब कुछ हुआ। मुश्किल से 25 मीटर का दायरा है। देखिए यहाँ भी आपको चप्पल नज़र आ रही होगी, यहाँ पर आपको जूता नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको किसी महिला की चप्पल नज़र आ रही होगी, यहाँ पर आपको एक छोटी चप्पल नज़र आ रही है, किसी बच्चे की चप्पल है, ये स्थिति यहाँ पर देखिए। इसके अलावा अभी भी आपको वहाँ पर NDRF के लोग नज़र आ रहे हैं जो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कुछ है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर आया, लगातार जो स्टेट एजेंसीज हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं, अधिकारी पहुँचे हैं, लेकिन जब सब कुछ हो गया, जब सब हालात बिगड़ गए, उसके बाद यहाँ पर आकर अब बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। शायद हुक्मरानों को ये सोचना पड़ेगा, 2.5 लाख से ज़्यादा आदमी अगर एक जगह इकट्ठा होता है आप समझिए तो प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता, सिर्फ ये सोचता है कि हमने 80,000 की परमिशन दी थी, FIR में दर्ज हो जाएगा, 2.5 लाख लोग यहाँ पहुँचे। लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँच जाएंगे और प्रशासन हाईवे पर कोई रोकथाम नहीं करेगा, हाईवे चलता रहेगा, एक रास्ता बंद हो जाएगा, 7 किलोमीटर लंबा जाम लग जाएगा, और हम कहेंगे कि सिर्फ गलती जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन की थी, उस आयोजकों की थी, इसमें लंबी चौड़ी फहरिस्त है, अगर आप समझे, इसमें प्रशासन भी उतना जिम्मेदार है जितना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ बाबा के आयोजक थे, और शायद ये परिस्थितियाँ जांच में सामने निकल के आएंगी।